aldol condensation ki taraf chalte hain. Next hai aldol condensation. That's very simple. Aldol condensation is very 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 simple. कहां होती है सबसे पहले देखो, एल्डोल कंडेंसेशन या तो एल्डिहाइड में होती है या कीटोन में होती है, ये उन कंपाउंड्स में होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और डिल्यूटेड बेसिक मीडियम में होती है, समझ में आया? तो ले लो एल्डिहाइड, जैसे मान लो CH3CHO ले लिया और यहां पर लिखा हुआ डिल्यूटेड NaOH, तो पहले ये लिखा हुआ है, इसकी दो यूनिट लेनी है आपको, तो दो यूनिट आपस में जुड़ेंगी, चार हो जाएंगी और बीटा पोजीशन पे OH लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 ये होगा CHO, ये आपका मेन ग्रुप, मेन ग्रुप हो गया अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे OH लगा दो। देखो आपने क्या किया, यहां पर दो यूनिट ली, दो की चार हो जाएंगी, चारों कार्बन आपस में जुड़ेंगे, मेन ग्रुप जो है वो क्या है CHO, वो वही रखना है आगे आगे सिपेसलार, बीटा पोजीशन पे OH लगाना है। ऐसे तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ नॉर्मल वे से बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? ये हो गया। अब क्या करना है, अगर आपने इसको हीट किया तो अल्फा और बीटा पोजीशन से पानी बाहर निकलेगा, ये OH और यहां पर एक हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO, खत्म कहानी। समझ में आ गया? यस मेरे प्यारे बच्चों। सो इस तरह से चक्कर ना एल्डोल कंडेंसेशन, डिल्यूटेड NaOH, दो यूनिट को जोड़ दो, देखो भाई है CHO अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे OH, इसको बोलते हैं 3-hydroxy या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। हीट करोगे अल्फा बीटा पोजीशन, पानी बाहर निकाल दो, खत्म। इसको करने का शॉर्ट तरीका भी है, बट शॉर्ट तरीके से सीधे वहां से यहां पहुंचोगे, ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा कि आप बेटर की पूरा याद करो अच्छे से। समझ में आ गया? चलिए एल्डोल कंडेंसेशन आपको पता लग गया, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट केमिकल है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए कैनिजारो रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन की बहन कहलाती है, क्या कहलाती है? साहिल आईटी कह रहा सर सूरतगढ़ कब आओगे प्लीज बता दो सर। क्यों बेटा, क्यों बुला रहा है बेटा, बताओ ना साहिल सूरतगढ़ क्यों बुला रहा है भाई? रेलवे स्टेशन पे फूल माला लेके तैयार रखेगा हाँ? फूल माला लेके रेलवे स्टेशन पे तैयार खड़ा रहेगा। कल को पता लगे कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कैसे होती है? So, ये उन केमिकल रिएक्शंस में होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, यू नीड अ कार्बोनिल कंपाउंड, और ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH में होती है, यानी कि 50% बेसिक सॉल्यूशन चाहिए आपको इसके अंदर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिसप्रोपोर्शनेशन। इतनी बड़ी केमिक नाम रख दिया है, इतनी बड़ी स्पेलिंग याद करने में मुझे 4 साल लग गए थे नहीं डिसप्रोपोर्शनेशन, अभी मैंने गलत लिखा है, डिस्पोर लिख दिया, डिसप्रोपोर्स, ठीक है, शनेशन सही लिखा है मैंने, डिसप्रोपोर्शनेशन। चलो अब देखो यहां पर होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, जैसे कि मान लो कि HCHO ले लो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं है। कई बच्चों पता नहीं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? इसके पास इसकी दो यूनिट लेनी है और यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लगाना है, मतलब बेसिक मीडियम चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है? एक कार्बन का एल्डिहाइड रिडक्शन से एक कार्बन का अल्कोहल मिलेगा। एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH। ये तो रिडक्शन हो गया। अब एक कार्बन की स्पीसी का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? HCOOH। समझ आता है? बट वो एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? HCOONa। तो HCOONa बना लेगा। समझ में आता है? क्लियर हो गया सब लोगों को? बल्ले बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट तो ये होता है आपके पास कैनिजारो रिएक्शन। क्या कहलाता है? कैनिजारो। फॉर्मेल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेट KOH है, मेथनॉल बनेगा और पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ये बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। ओके बहुत बढ़िया। ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, याद रहेगा। 22 के बाद अब चलते 23, हेल्वोल्हार्ट-ज़िलिंस्की रिएक्शन, मेरी फेवरेट है हेल्वोल्हार्ट-ज़िलिंस्की, HVZ रिएक्शन। जरा देखो हेल्वोल्हार्ट-ज़िलिंस्की रिएक्शन, जरा देखो हेल्वोल्हार्ट-ज़िलिंस्की HVZ रिएक्शन को, जरा देखें HVZ रिएक्शन, देखें हेल्वोल्हार्ट-ज़िलिंस्की रिएक्शन क्या होती है। सो HVZ रिएक्शन में आपको क्या चाहिए? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, उसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पीछे चाहे कुछ भी हो, मतलब एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए। आ गया समझ में? इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? रेड फॉस्फोरस प्लस X2, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। तो क्या करता है? इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वहां पर X लगा देगा, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन लगा देगा, क्या बनेगा? CH3CHCOOH
और यहाँ पर X लगा दिया, खत्म कहानी, खत्म 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 कहानी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। HBZ रिएक्शन खत्म हो गई, किस किस को समझ में आ गई HBZ रिएक्शन? थैंक यू सो मच। Somebody saying I am from Mirzapur, मुन्ना भैया कैसे? तो फाइनली देखो आपको ये चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड X2 प्लस रेड फॉस्फोर और पानी, अल्फा पोजीशन पे X लग जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है उसके अंदर। सबको समझ में आया? 23 के बाद अब चलते हैं 24, ओनली गिवन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड हू हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ये है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, रद्दी रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन सबको आती है, 10वीं क्लास में पढ़े हो तुम, ये 10वीं क्लास के बच्चों को भी आती है। एस्टरीफिकेशन कैसे होता है? एस्टर बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? प्यार चाहिए तुम्हें? प्यार चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, साथ में क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए, एच प्लस चाहिए, पानी बाहर निकालने को चाहिए। पहली बार होगा कि एसिड ओएच दे रहा होगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड, उसके बाद OCH3, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं? मिथाइल इथेनोएट। फर्जी रिएक्शन तो सारे बच्चों को आती है, मेरे हर एक बच्चे को आती है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए, एसिड चाहिए, एच प्लस चाहिए, ईथर बन जाएगा, खत्म कहानी। एसिड देगा OH, अल्कोहल देगा H, खत्म कहानी, पानी बाहर निकालना है, खत्म। 25वीं रिएक्शन में डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, किस किस को आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब समझो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? इसकी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ में कराओगे, सोडा लाइम चाहिए प्लस CaO चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसमें क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, ये बाहर निकलेगा Na2CO3 और H इसको मिल जाएगा CH4, मिथेन बन गया। तो साथ में क्या बाहर निकलेगा यहां से? साथ में Na2CO3 बाहर निकलेगा। किस किस को समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाम लिखते याद हो जानी चाहिए, मजा तो तभी आएगा ना। ये रहा सोडियम इथोनेट, ठीक है, इथेनोएट, NaOH रिएक्शन कराओ, आपके सामने मिथेन बन गई। सबको समझ में आ गया? डी बार 25 रिएक्शन हो गए, 26 रिएक्शन पे चलते हैं। अब हम चलेंगे हमारे 13वें चैप्टर पे, अमाइन, 13वें चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड, मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट है हॉफमैन HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मेरी फेवरेट रिएक्शन। कैसे? ये दो प्यार करने वालों को मिलाती है। वाह, कौन है प्यार करने वाला? ये है लड़का, ये लड़का लड़की कहां है? लड़कियां, ये लड़की के पापा, उसके बाद येरी लड़की, ये लड़की पोपोपो, दिस इज ये लड़का पोपोपो, ये लड़की पोपोपो, ये कौन है? लड़की के पापा, LP, लड़की पापा। एक गाना कैसे बॉलीवुड में गाने कितने गंदे बनते थे, आज भी ऐसे ही बनते हैं। तुमने गाना सुना कभी? ये लड़का पोपोपो, ये लड़की पोपोपो, ऐसे घटिया गाने ही बने। देखो अच्छा मनोरंजन हो रहा आज इसी चक्कर में, है ना, मनोरंजन। तो अब देखो, तो ये लड़का पोपोपो, ये लड़की पोपोपो, ये लड़की के पापा। अब ये लड़का प्यार करता है, इस लड़की को प्यार करता है, लेकिन फिर दुश्मन कौन है? लड़की के पापा, पापा यही दुश्मन है। नहीं, इनको हटाना है बीच में से। कैसे हटेंगे? प्यार करने वालों को मिलाएंगे। कौन मिलाएगा प्यार करने वालों को? स्पेशली लड़को, लड़के का भाई आता है, लड़के का भाई, ब्रदर, ब्रदर मतलब ब्रोमीन, अपना स्ट्रॉन्ग बेस लेके आता है, गुंडे शुंडे मवाली शवाली। कितना बढ़िया। खैर, लड़का लड़कियों मिला ना, पापा दुश्मन है, फिर लड़के का भाई आता है, ब्रदर ब्रोमीन, अपना फुल एकदम सपोर्ट लेके, स्ट्रॉन्ग बेस लेके। इससे बढ़िया क्या होता है? और फिर पापा जी हार मान जाते हैं और लड़का और लड़की मिल जाते हैं। वाह, व्हाट अ प्यार। किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? इससे अच्छा को मैं कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता। मतलब मैंने दूसरे वैसे समझाई है ताकि तुम्हें याद रहे जिंदगी भर। किस किस को ये पूरी याद हो गई? दोबारा समझाऊं, किस किस को ये पूरी याद हो गई? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस को ये पूरी केमिकल रिएक्शन याद हो गई? आसान है, किस किस को मजा आया? ऐसे बोलो, ये लड़का पोपोपो, ये लड़की पोपोपो, ये लड़की के पापा, ये लड़के का भाई, स्ट्रॉन्ग बेस लेके आया, लड़का लड़की हो गई शादी, हो गए। सो दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। किस किस को याद हो गया? समझ रहे? दोबारा बताओ। अरे तुम लोग पट्टे हो भाई, ऐसी रिएक्शन में तुम दोबारा कराओगे? कितनी बार बताऊंगा मैं तुम्हें, कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए भाई। तुम अमेजोन से लाल चट्टी खरीदो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट के हमारे पास ये क्या है? अच्छा, ओ शिट, मैंने मैंने तो रिएक्शन का नाम ही नहीं पढ़ा। मैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में फंसा रहा।
मैंने सोचा ये होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, होफमैन अमोनोलिसिस था, मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये पढ़ाई नहीं, मैं एचबीडी रिएक्शन में फंसा रह गया, माफी, मैंने तुम्हें एचबीडी करवा दी। मैं एक्साइट हो गया। कई बार पता है ऐसा होता है ना, कभी आप पहले ही शब्द को देख के अंदाजा लगाते हो कि वो शब्द क्या होगा, पूरा पढ़ते ही नहीं हो। ऐसा हुआ आपके साथ? अखबार में बहुत बार ऐसा होता है, जो स्पीड रीडिंग करते हैं ना इंग्लिश में, वो बहुत बार सिर्फ शब्द की पहली दो वर्ड देख, दो अक्षर देख के अंदाजा लगाते हैं वो शब्द क्या होगा। मेरे साथ भी आज ऐसा ही हो गया, होफमैन अमोनोलिसिस कहा था, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दिया आपको, कोई बात नहीं वो भी आएगी आगे। होफमैन अमोनोलिसिस क्या होता है? दैट्स वेरी इजी यार, कुछ नहीं है उसमें, अमोनिया लो, आरएक्स रिएक्शन कराओ, हाइड्रोजन हटाते जाओ, कुछ नहीं है। एक्स को एच से प्यार होता है ना, एक्स को एच से प्यार होता है, सही बात है। तो एनएच टू आर बार बार आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड फाइनली 4 डिग्री अमाइन बनते जाएगा, अमोनियम सोल्ट बन गया लास्ट में, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या ही समझाऊं इसके अंदर, बार बार आप हाइड्रोजन का एक्स, वहां से हाइड्रोजन लो, यहां से एक्स लो, बार बार 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री और फिर आपके पास लास्ट में आप जो नाइट्रोजन होता है उसके इलेक्ट्रॉन काम आते हैं एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए, तो 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट बन गया, कुछ नहीं इस रिएक्शन में। फिर है गैब्रियल फिथालेमाइड सिंथेसिस, दिस इज अगेन अ डेंजरस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। गैब्रियल फिथालेमाइड सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आपको? सो गैब्रियल फिथालेमाइड सिंथेसिस के लिए यू नीड फिथालेमाइड। क्या होता है फिथालेमाइड? दिस इज फिथालेमाइड। सबसे पहले लगाओ बेंजीन का तड़का, ठीक है, उसमें यहां पर लगाओ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लगाओ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लगाओ N, इधर लगाओ H, हो गया, हो गया। इसका रिएक्शन कराने का है, किससे कराने का है बाबू? सबसे पहले इसे हाइड्रोजन को हटाओ, कैसे भी चलता करो इसको, बोले चलो यहां से निकलो, किसको किसको कैसे हटाओगे इसको, इसको कैसे हटाओगे? सबसे पहला रिएक्शन किससे होता है गैब्रियल फिथालेमाइड सिंथेसिस में, बताइए, जर्रा 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 KOH से रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो ये OH और H हट जाएगा, पानी निकल जाएगा और K उसकी जगह ले लेगा। तो KOH से अगर रिएक्शन, मतलब मुझे पता नहीं मैं सही हूं गलत हूं, बट मेरे को जो समझ में आ रहा है वो कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये K है, इस पे प्लस और इस पे माइनस है। बाद में इसका रिएक्शन किससे कराओगे? आर एक्स से कराते हैं, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये के एक्स बाहर निकल जाएगा और आर जुड़ जाएगा उससे, सही है, मतलब मेरे ख्याल से तो सही है। नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और यहां पर आर जुड़ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां से जो रिएक्शन करानी है बेसिकली पानी वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करानी, तो ये सारे के सारे ना यहां से ये टूटेगा, आर एन एस टू बनेगा और वो पूरी की पूरी यूनिट जो है ना OS लेके साइड में हो जाएगी। ये एक रिएक्शन है जिसे 1 डिग्री अमाइन बनता है इससे, ठीक है, ये रिएक्शन होती है, हार्ड दिखने में बट कुछ नहीं है, 1 डिग्री अमाइन बनता है गैब्रियल फिथालेमाइड सिंथेसिस, 1 डिग्री अमाइन बनाने को काम आती है। सबसे पहले आप लोग ये लो फिथालेमाइड, KOH से रिएक्शन कराओ, सही था, मैं बनाइए आर से रिएक्शन कराओ। अब ये जो है ना, बस ये NaR RN, इसको दो हाइड्रोजन पकड़ाने हैं, खत्म। लास्ट में NO से रिएक्शन कराओगे, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई, NO से रिएक्शन कराओ, ये आपको हाइड्रोजन पकड़ा देगा, फाइनली 1 डिग्री अमाइन बनेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बल्ले बल्ले यही है। सबको समझ में आ गया? सो देयर इज अ 1 डिग्री अमाइन इफ यू वांट टू फाइंड आउट, दैट इज बाय गैब्रियल फिथालेमाइड सिंथेसिस। 28वीं रिएक्शन होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अब सही है, ये तो सबको आती है, किस किस को याद हो गई अपनी बताने की जरूरत है। 28वीं केमिकल रिएक्शन, दैट इज 28, देखो 28 नंबर पे लिखी है, 28 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, तो 28वें नंबर पर प्यार की कहानी लिखी है। इसमें अमाइड लोगे, ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे, NaOH, ये लड़का ये लड़की, ये पिताजी लड़की के लड़के का भाई, स्ट्रॉन्ग बेस लेके आया और फाइनली 1 डिग्री अमाइन बन गया। ये सबको आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साथ में और भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारे पास कार्बोलामाइड रिएक्शन, 29वीं रिएक्शन कार्बोलामाइड रिएक्शन। देखिए कार्बोलामाइड रिएक्शन जो होती है ना, वो भी कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन ही देता है, तो आप पकड़ लो सबको 1 डिग्री अमाइन कार्बोलामाइड रिएक्शन में, 1 डिग्री अमाइन पकड़ लो कार्बोलामाइड रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन पकड़ लो। तो सपोज करो तुम्हारे पास CH3 है और NH2 है ना, क्या किससे रिएक्शन कराओगे? CHCl3 से, है ना, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओगे, बेसिक मीडियम में जाता है रिएक्शन, बेसिक मीडियम में भी होती है, तो क्या बनेगा आपको? CH3NC, मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा, इसी को बोलता है, इसकी फॉइल स्मेल होती है, फॉइल काइंड ऑफ स्मेल होती है, गंदी बदबूदार, इसको बोलते हैं कार्बोलामाइड रिएक्शन। 1 डिग्री अमाइन देता है, गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन ओनली, क्या बनेगा यहां पे? जरा आप चेक करो, आपने लिया यहां पर NH2, क्लोरोफॉर्म लिया, बेसिक मीडियम लिया, क्या बना आपके पास? फॉल स्मेल वाली RNC, आइसोसाइनाइड, मैं सही था। और ऐसे बस आपको लिख लिख के याद करना है, गंदी बदबू आती है इससे, पता लग जाता है, वाओ बहुत गंदी बदबू आती है। आखिरी केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल, उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन है क्या? देख लेते हैं। तो उसमें ये है ओपन चैन स्ट्रक्चर कंफर्मेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, की ओपन चैन स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन रिएक्शन है बहुत सारी, तो मैं आपको दिखा देता हूं, जब देखो आखिरी रिएक्शन। सबसे पहले तो कंफर्म कैसे हुआ कि भैया ये ओपन चैन होती है? तो अगर आप
ग्लूकोज की रिएक्शन एचआई से कराओगे तो क्या करेगा एचआई, इसको पूरी तरह से रिड्यूस करेगा, सारे ऑक्सीजन गायब करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में, हेक्सेन बना, छह कार्बन की चेन बनेगी एचआई से रिएक्शन कराने के बाद। अगर आप इसका रिएक्शन NH2OH से कराते हो वेरी सिंपल, यहां से दो हाइड्रोजन पकड़ो, ये ऑक्सीजन पकड़ो, गायब करो, क्या बन गया, इससे कंफर्म होता है कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेंगे वो कंपाउंड बनेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन ऑक्साइड बोलते हैं उसे, ये कंफर्मेशन देता है कि भैया यहां पर क्या है, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप है। फिर रिएक्शन कराओ HCN से, क्या होगा, हाइड्रो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, सॉरी साइनोहाइड्रिन बनेगा, कैसे बनेगा, आप चेक करो जो HCN में से CN- है, समझ में आएगा, CN- अटैक करेगा कार्बन पे और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो मतलब सेम कार्बन पे CN और OH दोनों ग्रुप होंगे, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, यहां से कंफर्म होता है कि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि ये कार्बन ग्रुप को कंफर्म करता है, समझ में आ गया सब लोगों को, HCN से रिएक्शन। फिर अगली रिएक्शन एक और है, वो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर CHO ग्रुप की क्या करती है, कंफर्मेशन, कैसे, क्योंकि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CWH में, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। फिर अगली रिएक्शन कौन सी है, दैट इज एसेटिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसेटिक एनहाइड्राइड, ये कंफर्म करता है पांच OH ग्रुप है, क्योंकि यहां पर जो एनहाइड्राइड है ना बेसिकली वो क्या करता है, जितने भी OH ग्रुप है ठीक है वहां से H को ले जाता है अपने साथ, एसेटिक एसिड बाहर निकालता है और ये लंबे लंबे ग्रुप जुड़ जाते हैं, CHO CO CH3, लंबे लंबे पांच ग्रुप जुड़ते हैं, चार यहां पर एक नीचे, तो ये पांच OH कंफर्म करता है एसिडिक एनहाइड्राइड, पानी बाहर निकलता है और कुछ भी नहीं है। फाइनली एक और रिएक्शन है HNO3 के साथ, अगर आपने रिएक्शन करवा दी तो ये बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा ऊपर वाले को भी, CHO को भी और नीचे वाले को भी, ये क्या था CH2OH, इसको भी, तो यहां पर कंफर्म हो गया कि नीचे जो है बेसिकली वो 1 डिग्री आपके पास कार्बन है, ये ग्लूकारिक एसिड है वो ग्लूकोनिक एसिड है, दोनों में फर्क है। ब्रोमीन वाटर पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है जबकि ये फुल ऑक्सीडेशन करता है, ये वाला HNO3। तो केमिकल रिएक्शंस हैं, फाइनली बहुत बहुत बधाई हो, मिशन कंप्लीट हो गया है।